Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the Galilean transformation. In the previous video I have already discussed the three parts of transformation which is known as the Galilean transformation. So let's start with the Galilean transformation. So this is the definition. The transformation of coordinates of a particle from one inertial frame of reference to another inertial frame of reference. Inertial frame of reference हमने discuss किया है कि ऐसा frame of reference जहाँ acceleration zero हो, जहाँ अगर हम force न लगाएं तो motion हमेशा uniform रहे, जिससे उसका acceleration हमेशा zero हो. तो ऐसा कोई frame of reference, एक frame of reference और ये दूसरा frame of reference. तो कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट है. क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो दिस इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस फ्रेम, and this is a S dash frame. So this is a one inertial frame of reference and this is a another inertial frame of reference. Suppose this is a particle or point object P. So xyz, जो xyz है वो coordinate है observer O के हिसाब से, observer O के हिसाब से, और जो x डैश y डैश और z डैश है वो ऑब्जर्वर o डैश के हिसाब से. यहाँ पे हम सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट को, जो p है हमारा सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसे हम दो जगह से देख रहे हैं. एक हमारा देखने का पोजीशन ये है o, और एक है o डैश. o डैश और o इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस ज़ीरो होता है. दिस इज ज़ीरो बिकॉज ये दोनों कॉन्सिडेंट करते हैं, ये दोनों एक ही जगह पे लाई करते हैं. फिर आफ्टर सम टाइम, सपोज दिस टाइम इज टी, ओडैस मूव करके यहाँ पे आता है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? हमने मान रखा है कि जो एस डैश फ्रेम है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है. किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम. सो दीज आर द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस फ्रेम इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम विथ वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी. सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ओ डैश इज इक्वल टू वी टी. तो आफ्टर टाइम टी दिस डिस्टेंस इज आफ्टर टाइम टी. तो टी समय के बाद, और हम यहाँ केवल x एक्सिस के लॉन्ग मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो y और z के लॉन्ग कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको यहाँ मिलाएं तो ये पूरा x है, और इस फ्रेम के हिसाब से ये है हमारा x डैश है. क्लियर? दिस इज x एंड दिस इज x प्राइम और x डैश. तो यहाँ पे हम पोजीशन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले जो गैलीलियन का पहला ट्रांसफॉर्मेशन था वो पोजीशन के लिए था. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो ऑब्जर्वर से डिस्टेंस है वो r डैश है, और ये वाला इस ऑब्जर्वर से जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो r है. तो अगर हम वेक्टर के हिसाब से देखें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर r डैश इक्वल वेक्टर आर, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, एंड सपोज वी इज इन दिस डायरेक्शन. सो दिस एंड प्लस दिस इक्वल टू दिस. तो दिस इज अ माइनस, सो दिस इज वी टी, और वी कैन से आर इज इक्वल टू आर डैश. Yeah, this is right.
1. So from this we can write for along the x axis, so we can write as x dash equal to x minus vt. So this is r dash, and this is equal to x dash I plus y dash j plus j dash k. So the ith component is x dash, so x dash is equal to x and minus vt. और चूंकि y के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, हमने जो फ्रेम का मोशन दिखाया है वो केवल पैरेलल है x एक्सिस के, तो y और z एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी मोशन नहीं है, इसलिए y डैश y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसी तरीके से z में कोई चेंज नहीं होता. और गैलीलियन ने टाइम को यूनिवर्सल माना था. तो ये जो चारों इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन, बल्कि तीन इक्वेशन इस टाइम पे तो मेज़र किया गया था, टी इक्वल टू टी डैश, ये टाइम यूनिवर्सल लिया गया था. तो इन तीनों इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन. ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए बोलते हैं कि ये इक्वेशन बता रहा है कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. ये एक्स जो है वो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एस फ्रेम के हिसाब से कोऑर्डिनेट था, और जो एक्स डैश है वो एस डैश फ्रेम के हिसाब से कोऑर्डिनेट है. तो ये कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन. क्लियर? तो इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी. Second is the transformation of velocity. तो चूंकि हम यहाँ motion केवल x axis के along consider किए हैं, तो जो changes होंगे velocity में वो भी केवल x axis के along होगा. तो अगर हम इसी particle p का s frame के हिसाब से अगर हम velocity लिखें तो कैसे लिखेंगे? The velocity of p with respect to frame S, so v is equal to d by dt, and this is r. Clear? This r, so this I can write as a d by dt, and r is nothing but xi plus yj plus zk position vector. So this will give dx by dt I plus dy by dt j plus dz by dt k. So here we can write as a vx I, and this is vy, and this is a vz k. Similarly, we can write the velocity of p with respect to velocity of p, same point object ki velocity with respect to s dash frame, velocity of p with respect to s dash frame. तो एस डैश फ्रेम के हिसाब से क्या होगा, अगर हम इसे वी डैश से डिनोट करें तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं वी एक्स डैश आई प्लस वी वाई डैश जे प्लस वी जेड के.
क्लियर. तो सपोज दिस इज वन एंड दिस इज टू. फिर जो इक्वेशन वन था हमारा जो पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन वाला, दैट इज आर डैश इक्वल आर माइनस वी टी फ्रॉम पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज दिस इज स्टार, तो वहाँ पे है इक्वेशन स्टार बना लीजिएगा. तो इस इक्वेशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये वेलोसिटी देगा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए. और ये देगा किस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए माइनस वी. सो दिस विल गिव वी डैश, दिस इज वी माइनस स्मॉल वी. दिस इज इक्वेशन थ्री. तो यहाँ पे जैसे हमने सपोज किया है कि जो मोशन है वो केवल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन थ्री इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वी एक्स प्राइम होगा वो वी एक्स माइनस वी होगा. सो दिस वी इज सेम वी, और इसका एक्स का कंपोनेंट क्या होगा, वी एक्स डैश, और इस वी का एक्स का कंपोनेंट वी एक्स. सो दिस गिव्स द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. और चूंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फिर से कोई चेंज नहीं होगा. सो दीज आर द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन. तो दीज थ्री इक्वेशंस आर नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी. यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ये जो वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, और ये जो वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एस डैश फ्रेम के हिसाब से. सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी. इसके बाद लास्ट उनका ट्रांसफॉर्मेशन था एक्सेलरेशन के लिए. सो ये सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. ये तीनों इक्वेशन थे, इक्वेशन है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. और इसके पहले पढ़ चुके हैं पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से था, y डैश इक्वल y एंड z डैश इक्वल z. सो दीज आर द पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड दीज आर द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलरली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो अगर हम इसे इक्वेशन मान लें, इक्वेशन फोर, इन सभी को एक साथ इक्वेशन फोर, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखते चलिए तो आसान रहेगा समझने में. तो फ्रॉम इक्वेशन फोर ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, चूँकि एक्सेलरेशन हमारा आता है वेलोसिटी के टाइम डेरिवेटिव से और ये इक्वेशन वेलोसिटी के रूप में है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग या बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी वी एक्स डी बाई डी टी इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी. दिस इज वी and this v is uniform. Initially we suppose that the v is uniform, so derivative of any uniform term is zero. So this will give ax dash equal to ax ax. Similarly from this equation we can get ay dash equal ay and az dash equal to az. So these are the transformation of acceleration. So these are known as a transformation of acceleration. Transformation equation of acceleration or simply transformation of equation.
तो यहाँ भी जो ax डैश है वो s डैश फ्रेम के हिसाब से एक्सेलरेशन है, और जो ax है वो s फ्रेम के हिसाब से, उसी तरीके से y एक्सिस के अलॉन्ग और उसी तरीके से z एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशंस दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंट है। हमने देखा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, माइनस भी हो रहा था, और यहाँ भी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेंजेस आ रहे थे माइनस भी टी का, लेकिन एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, चाहे हम एस डैश से मेज़र करें इसके एक्सेलरेशन को या फिर हम इस फ्रेम से एस फ्रेम से मेज़र करें, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्सेलरेशन हमारा इनवेरिएंट है। तो हम ये कहते हैं कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेशंस आर इनवेरिएंट फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ऑल नोन एज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड दीज इक्वेशंस आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन एंड दीज थ्रीज आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद आता है इनका कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि कोई भी थ्योरी ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करती, इन्हें कुछ फंडामेंटल लॉ के थ्रू उसको एग्जिस्ट कराना पड़ा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ कर रहे हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन सही है। तो हम क्लासिकल फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स रूल्स हैं उनका अगर हम कंजर्वेशन दिखा पाएँ इसी लॉ को यूज़ करके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम जो बेसिक्स लॉ हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के उनको हम प्रूव करेंगे। वो क्लासिकल लॉज हैं, आपका पहला है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, दैट इज सेकेंड लॉ, मेनली सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ था वो उसको यूनिवर्सल माना जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि ये लगभग हर जगह लागू होगा। तो ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स का, फंडामेंटल इक्वेशन, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो अगर यही चीज़ हम इस गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से दिखा पाए तो हम मानेंगे कि गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन सही है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला जो था वो कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, या यूँ कहें लॉ ऑफ फोर्स। तो पहले लॉ को हम बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि हम जानते हैं, वी नो दैट द एक्सेलरेशंस आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हमने देखा कि एक्सेलरेशन इनवेरिएंट था अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम वी नो दैट करके यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए एक्स डैश है वो इक्वल होता है ए एक्स के, जो ए वाई है वो इक्वल होता है ए वाई प्राइम इक्वल टू ए वाई, एंड ए जेड इक्वल टू ए जेड। तो कुल मिला के हमें ये मिल रहा है कि जो ए प्राइम है वो इक्वल टू ए है, क्योंकि एक्सेलरेशंस आर ऑलवेज सेम, चाहे हम इस फ्रेम से देखें चाहे इस फ्रेम से, एक्सेलरेशंस हमेशा इनवेरिएंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्राइम इक्वल वेक्टर ए, मतलब तो दोनों तरफ अगर हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स देगा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और ये जो फोर्स होगा वो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो दोनों फोर्स सेम आ रहा है, इसका मतलब फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम न्यूटन्स के बेसिक लॉ को हम दिखा पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो भी इनवेरिएंट है। यहाँ हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फोर्सेज आर रिमेन इनवेरिएंट, या उल्टा भी लिख सकते हैं, फोर्सेज आर ऑलवेज द फोर्सेज आर द सेम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो पहला लॉ था कंजर्वेशन लॉ वो प्रूफ हो गया कि जो फोर्स होते हैं वो हर जगह समान होते हैं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स चेंज नहीं होता है। उसी तरीके से इनका दूसरा कंजर्वेशन लॉ था, और वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम जानते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था वो इलास्टिकली हो चाहे इन इलास्टिकली हो, वो हर कोलिजन के लिए कंजर्व रहता है,
हम जानते हैं कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, चाहे वो इलास्टिकली कोलिजन हो किसी भी दो बॉडी का या फिर इनइलास्टिकली हो। तो हमने पहले कक्षा में पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में, जहाँ पे दोनों कोलिजन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात आती है तो हम दो बॉडी के बारे में सोचते हैं जो आपस में कोलिजन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो उनके बारे में उनका जो कोलिजन है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। और हमें पहले से पता है कि कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, जो लीनियर मोमेंटम होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दिखाएंगे कि चाहे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हम मोमेंटम निकालें, चाहे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू मोमेंटम निकालें, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन है वो वाकई में सही है। तो इलास्टिक में हम या इन इलास्टिक दोनों में ही सेम है। तो वहाँ हमने एक रिलेशन जाना था कि अगर कोई दो बॉडी है, सपोज़ करिए एक m1 और दूसरा m2, अगर उसकी वेलोसिटी u1 है और दूसरे की वेलोसिटी u2 है, और आफ्टर कोलिजन हम ये माने कि m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और जो दूसरा मास था उसकी वेलोसिटी अगर v2 हो जाए, तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। यही इक्वेशन था जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, या ये ट्वेल्थ में भी था, एलेवेंथ में, कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज़ द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो इसी लॉ को हम यूज़ करके सो करेंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, एस के लिए भी और एस डैश के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे दो मास है m1 एंड m2, जैसे हम क्लासिकल में पढ़े थे। सो लेट टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटीज u1 एंड u2। सो दिस इज अ u1, u1 एंड u2, दो मास है और इनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग द x एक्सिस एज ऑब्जर्व्ड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। तो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो u1 है और u2 है। कोलाइड हेड ऑन विथ ईच अदर, वो इलास्टिकली हो चाहे इन इलास्टिकली हो, हम जानते हैं कि आफ्टर कोलिजन द लॉ ऑफ कंजर्वेशंस वी कैन राइट एज अ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक मास ये है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और दूसरा मास m2 उसकी वेलोसिटी u2, और आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, पहले वाले मास की वेलोसिटी v1 और दूसरे वाले मास की वेलोसिटी v2 है। ये सारा कुछ किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से है, वो s फ्रेम के हिसाब से, s फ्रेम के हिसाब से। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये वही इक्वेशन देगा जो हमने क्लासिकल में पढ़ा है, m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m2 v2। तो m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2, सपोज दिस इज इक्वेशन वन। सिमिलरली वी कैन एज्यूम एज दिस वेलोसिटी इज u1 डैश फ्रॉम दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश,
चूँकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ है तो अभी हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं। अभी था कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेलोसिटी वी एक्स है तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेलोसिटी वी एक्स प्राइम होगी। तो उसी तरीके से अगर एस फ्रेम के हिसाब से वेलोसिटी हमने शुरू में यू वन माना है तो एस डैश के हिसाब से जो हमारी वेलोसिटी होगी वो यू वन डैश, उसी तरीके से एम टू की वेलोसिटी यू टू डैश, एंड आफ्टर कोलिजन दिस इज वी वन डैश, एंड जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वी टू डैश। तो एस डैश प्राइम के हिसाब से हम लिख सकते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसा कि हमने इक्वेशन वन में लिखा है। तो एम वन यू वन डैश प्लस एम टू यू टू डैश इक्वल टू एम वन वी वन डैश एम टू वी टू डैश। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ टू इक्वेशंस फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो हमें ये दिखाना है या तो हम इस इक्वेशन के थ्रू इस इक्वेशन को प्रूव कर लें, क्योंकि ये इक्वेशन एस डैश फ्रेम के हिसाब से है और ये इक्वेशन एस फ्रेम के हिसाब से है। तो अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो वैल्यू आती है वो भी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आना चाहिए। तो हमें यही करना है कि या तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके इस इक्वेशन को दिखा दें या फिर इस इक्वेशन को यूज़ करके ये वाला इक्वेशन ला दें। तो हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हम पहला इक्वेशन यूज करते हैं जिससे हम इसको लेके आएंगे। आप चाहें तो दूसरा लेके पहले इक्वेशन को भी ला सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लिख सकते हैं कि u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v। हमारा जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरह से था vx डैश इक्वल टू vx माइनस v। जो गैलीलियन का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन था वो कुछ इसी तरीके से था vx डैश इक्वल टू vx माइनस v। उसी तरीके से u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस v। सिमिलरली u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस v एंड v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v। और ये v ये वाला v है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है s डैश फ्रेम, तो ये सारा v सेम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड v2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस v। तो अगर हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है तो हम u1 डैश u2 डैश v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, या अगर हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है तो पहले हम यहाँ से u1 u2 और v1 v2 निकाल लेंगे और इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा। और अगर डायरेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं इस इक्वेशन में तो हम इसको लाएंगे। तो पुट करते हैं इसे ही, सपोज करिए ये इक्वेशन थ्री है। इक्वेशन आप अपने हिसाब से बनाएंगे, हमारा इक्वेशन सारा मिक्स हो रहा है तो आप सीरियल से अगर एक साथ लिखेंगे तो ये इक्वेशन बढ़ाते जाएंगे, तीन चार पाँच सात आठ नौ दस जितना भी हो। तो पुट करते हैं इक्वेशन टू में। तो फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट एम वन दिस इज यू वन डैश, सो यू वन माइनस वी दिस इज यू वन माइनस वी प्लस एम टू एंड यू टू डैश इज यू टू माइनस वी। इक्वल टू एम वन वी वन डैश इज वी वन माइनस वी एंड प्लस एम टू वी टू माइनस वी। तो इसको सॉल्व करेंगे m1 u1 माइनस m1 v प्लस m2 u2 माइनस m2 v m1 v1 माइनस m1 v प्लस m2 v2 माइनस m2 v।
यहाँ कुछ टर्म कैंसिल होंगे, जैसे ये M1V M2V तो क्या मिला, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये वही इक्वेशन है जो इक्वेशन फर्स्ट था, ये वाला। सो दिस शोज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और ऑलवेज सेम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने यहाँ गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था और उसको यूज करके हम उस लॉ तक पहुँच गए जो एस फ्रेम के हिसाब से था। तो इस तरह से गैलीलियन ने दिखाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। क्लियर। इसके बाद उनका लास्ट कंजर्वेशन था इनर्जी के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी। तो हम जानते हैं जैसे फोर्स हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंजर्व होता है, उसी तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो। लेकिन इनर्जी के केस में हमें पता है कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड नहीं करता। इनइलास्टिक कोलिजन में हमारा लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व करता है लेकिन इनर्जी कंजर्व नहीं करती है, जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है वो कंजर्व नहीं होता। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, तो जो हमने सपोज किया था शुरू में, जो लेटेस्ट कंसीडर वाला टर्म था, वो बिल्कुल सेम रहेगा इसमें भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए भी जो शुरुआती चीज़ें थी, फिगर भी हमारा सेम होगा, सारा कुछ सेम होगा। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से शुरू कर रहे हैं, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। We can write as so half m1 u1 square plus half m2 u2 square. This is a energy before collision, and this is equal to half m1 v1 square half m2 v2 स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम है, एस फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि हमने वेलोसिटी u1 u2 और v1 v2 लिया है, जो हमारा सपोजिशन था शुरू में कि इनिशियली जो दोनों मास है उनकी वेलोसिटी u1 एंड u2 है और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 है। उस हिसाब से ये जो इक्वेशन है वो किस फ्रेम में है, एस फ्रेम में। अब इसमें हम एक टर्म ऐड कर सकते हैं, डेल्टा ई, इनर्जी का टर्म, जो ये डेल्टा ई तब यूज़ होगा जब हम कोलिजन को मान के चलेंगे कि ये इन इलास्टिक है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती है। अगर इलास्टिक कोलिजन सिर्फ लेके चलेंगे तो हम इस टर्म को हटा सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल लेके चल रहे हैं कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन भी हो तब भी हम दिखा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो जिस तरह से हम फ्रेम एस के लिए लिखे हैं, उसी तरीके से फॉर एस डैश फ्रेम लिख सकते हैं, हाफ m1 u1 square प्लस हाफ m2 u2 square इक्वल टू हाफ m1 v1 square प्लस हाफ m2 v2 square प्लस डेल्टा ई। सो दिस एनर्जी इज एक्साइटेशन एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, और अगर हम उसको पहले यूज करते हैं तो वो हीट के फॉर्म में होती है। तो दिस टर्म इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। ये 11th में भी था, अगर कायदे से पढ़े हो तो ये चीज़ें 11th में थी, जो बेसिक है लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसी टर्म से लिखे हैं, तो ये एस फ्रेम के लिए और ये इक्वेशन एस डैश फ्रेम के लिए।
अब फिर से हमारा काम वही होगा कि इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, या तो इसको यूज़ करके हम इस इक्वेशन को लाएं, या फिर इस इक्वेशन को यूज़ करके इस इक्वेशन में लाएं। तो ये होमवर्क है, ये अपने से कर सकते हैं। एक टर्म बीच में यूज़ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जो बीच में कैंसिल आउट करेगा दोनों तरफ से, उसके बाद ये रिलेशन मिलेगा। तो चाहे तो इसको स्टार्ट करके यहाँ आ सकते हैं। सेम हमें यूज़ करना पड़ेगा वही वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जो होता है U1 डैश इज इक्वल टू U1 माइनस V एंड U2 डैश इज इक्वल टू U2 माइनस V एंड सिमिलरली V1 डैश इज इक्वल टू V1 माइनस V एंड V2 डैश इक्वल टू V2 माइनस V। तो वो सिंपली यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद उसका होल स्क्वायर ये सारा कुछ सॉल्व करेंगे, देन लास्ट में कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ होगा, जो हमने अभी प्रूव किया है इसके पहले वाला वो रिलेशन यूज़ होगा। उसके बाद फाइनली हम काफ़ी कैलकुलेशन के बाद हम पाएंगे कि ये रिलेशन आता है। तो अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको बताएंगे। फ़िलहाल ये होमवर्क समझिए और इसे खुद से करना है। सो दीज आर द 3 लॉ ऑफ कंजर्वेशंस, दैट इज़ द लॉ ऑफ फोर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे लॉ को प्रूव करके गैलीलियन ने ये दिखाया कि जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है वो वैलिड है पूरी तरीके से, चाहे वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात हो, एस फ्रेम से हो या फिर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हो। तो आई होप कि ये सारा वीडियो समझ में आया है। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।